हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे दोस्तों मंडे टू मंडे अपना एक सेशन होता है मात्र 15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। जैसा कि आपको मालूम है, आज 4 फरवरी, तो 4 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको अकेडमी में कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप BU10 या BHU10 जो है वो यूज कर सकते हैं। SSC के अंदर दोस्तों फाउंडेशन बैच चल रहा है और जल्दी ही मैं पॉलिटी की शुरुआत करने वाला हूँ, तो मात्र ₹500 पर मंथ में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी, बैंकिंग, UPSC, PCS, डिफेंस, ओके, स्पेशल क्लास या दोनों के अंदर आप BU10 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि फ्री दोस्तों टॉप 40 स्टैटिक जीके का कोर्स है, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है दोस्तों मंडे से। डेली सुबह 10 बजे टेस्ट भी होगा और दोनों होंगे। ओके गाइस, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक जो है आपको कमेंट में डाल दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, राम मोहन राव हमारा को डैश के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये कहाँ के बने दोस्तों? ये बने SBI कार्ड के। रामा मोहन राव जो है SBI कार्ड के बने। ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सवाल था, SSC या फिर रेलवे के लिए नहीं था। पहले अश्विनी कुमार हुआ करते थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, मतलब ठीक है, क्योंकि वो अपॉइंट हो गए थे मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ के? SBI के। ओके गाइस, अश्विनी कुमार चले गए MD SBI के, और यहाँ पे कौन बन गया? रामा मोहन राव। हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए एक समझौते से पीछे हट गया। इस बंदरगाह के विकास में निम्नलिखित में से कौन से दो देश है जो की शामिल है? तो जो ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है ना, ये इंडिया और जापान और श्रीलंका, इंडिया जापान मिलकर श्रीलंका के लिए बना रहे थे, लेकिन अभी श्रीलंका बोला कि हम लोग खुद बनाएंगे और वो अभी एग्रीमेंट से पीछे हट गया है। श्रीलंका की बात करें तो महिंदा जी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट गोटाबाया जी, करेंसी रूपी है, जयवर्धनापुरे कोटे यहाँ पे कैपिटल है। कैपिटल देख ही सकते हो कहाँ पर है, ये नहीं कैपिटल। UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल टूरिज्म सफर्ड इट्स वर्स्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड इन 2020। सबसे खराब साल रहा 2020 टूरिज्म के लिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टूरिज्म की बात करें तो जिंदगी ना मिलेगी तुम्हारा, देखी होगी उसके अंदर वो लोग कहाँ जाते हैं, स्पेन में। तो मैड्रिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइस, 74% ड्रॉप है जो कि देखने को मिला इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही खतरनाक रहा है होटल वाले और साथ में इनके लिए, तो ट्रैवलिंग वालों के लिए। तो UNWTO की बात करें तो 1975 में फॉर्मेशन हुआ, मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। भारत को डैश में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र मिला। भारत को डैश में वेटलैंड के लिए कहां पे? चेन्नई के अंदर दोस्तों वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो वहां पे, आप यहां पे देख सकते हैं, पहला सेंटर ओपन किया गया है। 42 साइट है हमारे यहां पे इंडिया में वेटलैंड की, आपको मालूम है रामसर ईरान के अंदर एक सिटी है, वहां पे इसको करवाया गया 1971 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया दोस्तों किसके द्वारा, जल्दी बताइए, कौन से चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? पंजाब के, तो अमरिंदर सिंह जी के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। ओके गाइस, पंजाब की बात करें, VP सिंह जी गवर्नर है, 117 विधानसभा, 13 लोकसभा, 17 राज्यसभा की सीटें हैं। स्टेट सिंबल की बात करें तो ब्लैक बर्ड, बर्ड में बाज, फ्लावर में ग्लैडियोलस, और ट्री के अंदर भी शीशम, ये सारे के सारे स्टेट के सिंबल्स है जो कि आप दे सकते हैं। रणजीत सागर डैम की बात करें, जिसको थियांग डैम भी कहते हैं दोस्तों, वो भी है देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस वाहन निर्माता कंपनी ने क्लाउड आधारित डेटा सेवाओं की पेशकश करने के लिए गूगल के साथ में भागीदारी करी है? क्लाउड बेस्ड डेटा सर्विस दिया जा रहा है, और ये जो करी गई है ये किसके द्वारा? फोर्ड के द्वारा दोस्तों करी गई है, पार्टनरशिप करी गई है फोर्ड के द्वारा। ओके, निम्नलिखित में से किस भारतीय को ICC मैन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? आपको मालूम है मैन प्लेयर ऑफ द मंथ भी हो गया, पहले तो क्या ईयर हुआ करता था, डेकेड हुआ करता था, डेकेड से तो आ गया मंथ, ईयर पे ईयर से अभी आ गया मंथ के ऊपर, समझ गए मेरी बात? तो ये आप पे दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेंगे। ठीक है, ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ऋषभ पंत आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके गाइस, फोर्ड मोटर कंपनी दोस्तों बहुत पुरानी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसका हेडक्वार्टर है मिशिगन के अंदर। ओके, एक हेनरी फोर्ड करके थे, उनके द्वारा इसको इनकॉर्पोरेट है जो कि करी गई थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऋषभ पंत हो चुका है, देख सकते हो आप,
आईसीसी की बात करें तो पहले तो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर बना इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1909 में फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, दिल्ली के हेडक्वार्टर दुबई में है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और 104 मेंबर है इंडिया के। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? ठीक है, मेंबर जो है आईसीसी के वो इंडिया के नहीं है, मतलब इंडिया के इंक्लूड करके, ठीक है, इंडिया को इंक्लूड कर लो, और भी छोटे छोटे कई सारे आइलैंड, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ठीक है, 104 इसके मेंबर आईसीसी के जो देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी दोस्तों सेंटर की तर्ज के ऊपर पेपरलेस जो है बजट पेश किया है। ओके, आनंदी बेन पटेल यहाँ पे दोस्तों गवर्नर है, योगी जी सीएम है, 403 विधानसभा, 80 लोकसभा से 33 राज्यसभा की सीटें हैं। स्वयं, चारकोला, रासलीला, नौटंकी, अहीर, ये सारे डांसेस हैं। दुधवा, पीलीभीत, महावीर, हस्तिनापुर, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे देखने को मिलते हैं। हाल ही में सिसिले टाइसन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सिसिले टाइसन दोस्तों कौन है, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी दोस्तों वहां की, ओके, यूएस की, जिनके रिसेंटली मृत्यु हो गई, मतलब ऑस्कर नॉमिनेशन के अंदर काफी बड़ा रोल था, मतलब ओके, और इनका एक मूवी थी साउंडर, उसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने माजुली द्वीप के लिए 1,000 करोड़ रुपए के तटबंध सह सड़क की सिफारिश करी है। माजुली कहाँ पर है? तो माजुली आइलैंड है दोस्तों आपके आसाम के अंदर, ठीक है, माजुली आइलैंड, उसी को डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, 15th रेंज कमीशन ने 1,000 करोड़ रुपए के लिए बोला है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 300 करोड़ रुपए जो है वो रेल आइलैंड के लिए, पूरा आइलैंड बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ओके, माजुली आइलैंड देख सकते हो आप, फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, 144 विलेजेस है, पॉपुलेशन 1.5 लाख के आसपास है, और काफी बड़ा है, मतलब है ना, ये देख सकते हो। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार सरकार ने देश में डैश टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की सिफारिश करी है। तो टेक्सटाइल पार्क दोस्तों जो सेटअप किए जा रहे हैं वो कितने साथ करने के लिए बोला गया है? ओके गाइस, ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल में अपने आप को आगे बढ़ाने को लेकर। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक डैश में लॉन्च किया गया था, पहला एम्प्यूट क्लिनिक जो लॉन्च किया गया भारत में वो पता है कहाँ पे किया गया था? चंडीगढ़ के अंदर। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चंडीगढ़ लॉन्च करेगा पीजीआई एम्प्यूटी क्लिनिक, और ये फर्स्ट सच क्लिनिक है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं सेंटरों के बारे में। बॉटिसेली का एक चित्र न्यूयॉर्क में एक सौंतनी की नीलामी में 92 मिलियन में डॉलर में बिका। तो सेंटरों के बारे में बताना है कि ये कहाँ के थे। तो सेंटरो जो थे दोस्तों ये इटालियन पर्सन थे, ओके गाइस, जिनको साउथ का ऑप्शन न्यूयॉर्क के अंदर 92 मिलियन डॉलर है, जो कि इनकी पोर्ट्रेट दी गई है, बेची गई है। ओके चलिए, मैं पूरे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विनियम का सामान्य नाम क्या है? बोल जल्दी बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम क्या है? लाइम वाटर ये क्या? ये आपका सही आंसर है। स्माइलिंग बुद्धा ये किससे है? पोखरण के अंदर हमने टेस्ट किया था पहला वाला, है ना, तो ये उसी से संबंधित है। ओके गाइस, तो पोखरण वन जो न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में करवाया था, ओके, उसका नाम था दोस्तों कि स्माइलिंग बुद्धा, जो बाद में हुआ है ना 1998 के अंदर, उसका नाम तो शक्ति 1 और 2, ठीक है गाइस। चलिए, दिल्ली में जंतर मंतर डैश के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको बताना है कि दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो किस चीज के लिए बहुत ही फेमस है? आपको मालूम है दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइक जो है वो बहुत आती है वैसे तो, है ना, स्ट्राइक बहुत होती है, भूख हड़ताल बहुत होती है, ठीक है गाइस। तो वैसे तो क्या सनडाइल आपको मालूम है एस्ट्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल जंतर मंतर के वहां पे स्ट्राइक भी दोस्तों काफी होने लगी है, ठीक है गाइस। महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसको जयपुर के जो है उनके द्वारा बनाया गया था। भारत स्टेज और भी कई जगह पे, वाराणसी, मथुरा और भी जगह पर है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक का तात्पर्य डैश से है। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड दोस्तों रेफर करते हैं किसको? ये हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को दोस्तों रेफर करते हैं, ठीक है गाइस। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड जो है आपका व्हीकल को लेकर है। मल्टीटास्किंग का मतलब है जो आदमी एक से ज्यादा काम करे, मोर देन वन प्रोसेसर, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। केंद्र सरकार की स्कूल नर्सरी योजना किसके बारे में है? गवर्नमेंट की जो स्कूल नर्सरी योजना है दोस्तों वो अवेयरनेस फैलाने को लेकर है, एडमिशन करवाने को लेकर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट यंग माइंड्स के लिए, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, क्रिएटिंग एनवायरमेंट अवेयरनेस इन यंग माइंड्स। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को डैश द्वारा कार्यकाल से हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया प्रेसिडेंट को और ये हट गए।
लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके 6 साल या 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ये इसकी लिमिट होती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डेंसिटी कितनी है इंडिया की? इंडिया की बहुत ही कम है डेंसिटी, 353 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके दिल्ली में तो 10,000 के आसपास है, यहाँ पे तो 333 है। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको 353 मतलब एक्चुअली में है ना, सेंसस रिपोर्ट आपको सबको मालूम है ऑलरेडी। शहीद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल डैश में आयोजित की जाती है, तो इस बार जो शहीद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स जो कराई गई है दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ पे करवाई गई है? लखनऊ के अंदर। तो आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बादशाह खान के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान भी जाना करते थे। तो ये था दोस्तों अन अकेडमी के ऊपर 10-15 मिनट का सेशन। कोई भी प्लस कोर्स लेते वक्त गुणेश टेन या पीएचई टेन लगा दीजिएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक जो कि आपकी थी बहुत ही ज्यादा भारी डिमांड, उनके ऊपर लेके आ रहा हूँ मंडे से सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे। ठीक है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।